नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो भगवान आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और सभी आपको मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो, ऐसी हम कामना करते हैं। एक नए पाम के साथ हाजिर हैं आपके सामने और पाम को पढ़ेंगे। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़े। देश के कोने कोने से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस शाम हाथ को पढ़ना और देखते हैं क्या कुछ इनके जीवन में रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को देखेंगे, सबसे आखिर में हम रेखाओं को देखेंगे। इस तरह पूरी प्रिडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाथ जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं वो स्क्वायरिश है। हाथ जो है यहाँ पर जो है 100% स्क्वायरिश बन रहा है। तो आगे बढ़ने की मेहनत काफ़ी अच्छी है। ठीक है, आगे बढ़ने की जो क्वालिटी यहाँ पर नज़र आ रही है, मेहनत काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिविटी कहाँ दिख रही है? हाथ में, फिंगर्स में। फिंगर्स की जो लेंथ है काफ़ी छोटी यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर हथेली के मुकाबले अगर फिंगर्स की बात करें तो फिंगर जो है थोड़ी छोटी हैं। तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिलेगा इनको जीवन में स्टार्टिंग वाले पीरियड में। लेकिन लेकिन फिंगर छोटी होने का मतलब होता है कि थोड़ा सा व्यक्ति जल्दी फैसले लेता है, अपने काम काज में जल्दी फैसले लेता है, क्विक डिसीजन लेने वाली क्षमता होती है व्यक्ति की। तो कभी कभी तो ये फ़ायदा देती है, कभी कभी नुकसान देती है। ठीक है, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पर फिंगर्स की लेंथ की बात करूँ तो सूर्य की फिंगर ज़्यादा आपको लंबी देखेगी, हम कह सकते हैं गुरु से ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी जो है थोड़ी कम रहने वाली है, आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है। शनि पर फिंगर की बात करें तो ये लंबी है, तो पैसा भी जीवन में व्यक्ति कमा लेगा, काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पर रहेगा जीवन में। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी रह सकती है, कम्युनिकेशन स्किल की थोड़ी कमी रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है बुध की फिंगर थोड़ी सी आपको छोटी होती हुई नज़र आएगी। ठीक है, फिंगर्स के आपको खड़ी रेखाएं दिखेंगे जो जीवन में बताता है कि जीवन में काफ़ी लोग इनके साथ जुड़ेंगे और फ्रेंड सर्कल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लोग इनको जानने पहचानने वाले यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ नज़र आ रही है। अगर थंब की बात करें, जो थंब है ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है और ठीक है, यहाँ पर एक आपका सिंबल बन रहा है, कंप्लीट है। तो पैसा ठीक ठाक रहेगा, वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक यहाँ पर जीवन में रहेगा। चलिए हम माउंट्स की बात कर लें। माउंट्स यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं? गुरु पर्वत अगर देखें तो गुरु पर्वत को स्पेस अच्छी मिल रही है और कुछ छोटा माउंट यहाँ पर नहीं है, स्पेस अच्छी मिल रही है। तो इसके ऊपर कोई ऐसा स्पेसिफिक साइन नहीं है, लेकिन कुछ रेखाएँ जो हैं कैसे जीवन रेखा से ऊपर उठ रही हैं। तो तरक्की करेगा व्यक्ति, ठीक है, जीवन में तरक्की करेगा व्यक्ति और माउंट अच्छा है, इस पे कोई ऐसा नेगेटिव साइन नहीं है। अगर मैं यहाँ पर शनि पर्वत की बात करूँ तो शनि पर्वत के ऊपर आपको कुछ रेखाएं दिखेगी, पैतृक संपत्ति के निशान भी दिख रहे हैं। तो अचानक से धन लाभ के निशान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ होने के योग यहाँ पर जीवन में है और भाग्य रेखा भी जो है पहुँच रही है, क्योंकि काफ़ी हाथ में आपको देखने को मिलेगा कि भाग्य रेखा पहुंचती नहीं है शनि पर्वत पर जिस हाथ में पहुंचे तो जीवन में व्यक्ति अच्छा मुकाम हासिल कर लेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर जीवन में बड़ा करेगा। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर मैं सूर्य पर्वत की बात करूँ तो सूर्य पर्वत पर यहाँ पर सूर्य रेखाएँ तो हैं लेकिन ये टूट रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जीवन में स्ट्रगल इनको रहेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने जीवन को स्टेबल करने के लिए। और सूर्य रेखा का बनना, सूर्य रेखा का टूट जाना ये थोड़ा नेगेटिव प्रभाव देता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिश नुमा स्ट्रक्चर आपको बनती हुई हल्की सी दिखेगी जो ये असर दिखाएगी 45 के बाद का। 45 के बाद पीरियड जो है काफ़ी अच्छा जीवन में इनको आने वाला है। ठीक है, ये दिख रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर आपके बुध पर्वत की, तो बुध पर्वत के ऊपर खड़ी रेखाएं काफ़ी हैं, तो पैसे कमाने के लिए काफ़ी अच्छे मौके इनके जीवन में मिलेंगे। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं शुक्र पर्वत को। शुक्र पर्वत काफ़ी जो है स्पेस लिए हुए हैं और हल्के से जो है यहाँ पर जो है स्पेस को ज़्यादा मिल रही है, जिसके वजह से क्या हो सकता है कि जीवन में पैसा कमाने के लिए कुछ भी, मतलब अपने प्रोफेशन के लिए घर से दूर रहना पड़ सकता है। हाथ में मेडिकल लाइन में जाने के भी योग यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर उस ओर जाएँ तो सक्सेस इनको मिलने के योग काफ़ी बने हुए हैं। ठीक है, अगर मैं चंद्र पर्वत की बात करूँ तो चंद्र पर्वत पर कोई ऐसा जो है साइन यहाँ पर
जो स्पेसिफिक साइन यहाँ पर कहूँगा मैं, यहाँ पर देखिए कुछ रेखाएँ तो हैं जो यहाँ पर, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, देखिए कुछ ट्रैवलिंग की रेखाएं हैं, ऊपर की तरफ लाइनें जा रही हैं, लेकिन एक क्रॉस का निशान भी यहाँ पर बन रहा है, काफ़ी नेगेटिव साइन है ये। और अगर यहाँ पर चंद्र पर्वत पर क्रॉस बनता है तो गाड़ी वगैरह अगर चलाते हैं व्यक्ति, गाड़ी वगैरह अगर ड्राइव करता है तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर एक्सीडेंट होने की काफ़ी ज़्यादा योग यहाँ पर बने हुए हैं, और गंभीर चोटें आपको बन होने के चांस यहाँ पर बन जाते हैं। और आपको पानी से जो है थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, मतलब जो जब यहाँ पर चंद्र पर्वत पर ऐसे नेगेटिव साइन बनते हैं तो व्यक्ति को थोड़ा सा पानी से संभल के रहना पड़ता है, क्योंकि ऐसे योग बनते हैं कि व्यक्ति को पानी से कुछ खतरा हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर मैं बात करूं आगे लाइनों की, रेखाएं यहाँ पर क्या शो कर रही हैं, अगर रेखाओं के हम देख ले तो जीवन रेखा को अगर देखें तो जीवन रेखा में कुछ स्टार्टिंग में तो बचपन में दिक्कतें होती हैं सभी के, ठीक है, लेकिन एक बड़ी दिक्कत आपको नज़र आएगी। देखिए यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पर कितना बड़ा यव का सिंबल आपको बनता हुआ दिखेगा, ये यव का सिंबल बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, और यहाँ से जीवन रेखा डबल हो रही है, ठीक है, यहाँ से डबल हो रही है, और एक यव का सिंबल जो है कम से कम जो हम कह सकते हैं कि 25 से 28 के बीच के अराउंड जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रहने वाली हैं हेल्थ वाइज, ठीक है, तो ये हेल्थ वाइज प्रॉब्लम में रह सकती हैं, चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी आप हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम जोड़ लें, ठीक है, तो इस एज में जो है बड़ी दिक्कत यहाँ पर आने के योग यहाँ पर बने हुए हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके वजह से मैंने कहा ना कि चीज़ें इनके लिए अच्छी होंगी 45 के बाद। देखिए यहाँ से एक रेखा उठती हुई आपको दिखेगी, एक प्रोग्रेस रेखाएँ हैं, ये जो एज बन रही कम से कम 40 40 से 42 की एज, 40 ही मान के चलें, 38 से 40 की एज मान के चलें, यहाँ पर एक रेखा उठ रही है, और इसकी एज आप मान के चले कि 48 45 से 48 के बीच में, तो ये दो पीरियड जो है जीवन में काफ़ी अच्छी सक्सेस इनको देने वाले हैं, बहुत अच्छी सक्सेस इनको मिलेगी। और अगर मैं कैरलन की बात करूँ तो कैरलन में स्टार्टिंग से ही फिश के सिंबल स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि स्टार्टिंग में स्ट्रगल बहुत किया है इन्होंने, और स्ट्रगल वो दिख रहा है, और यहाँ पर जीवन जो है चल रहा है आगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है और आगे चलेगा, लेकिन थोड़ा सा 45 के बाद थोड़ा स्ट्रगल बढ़ेगा, ठीक है, और लेकिन अपने चीज़ें ये हासिल कर लेंगे जीवन में, ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पर मनी ट्रायंगल की बात करूँ, जैसे मैंने कहा ना जीवन में पैसा काफ़ी अच्छा रहने वाला है इनके, देखिए प्रॉपर एक भाग्य रेखा, ये यहाँ पर इनकी जीवन रेखा और इनकी हेल्थ लाइन, तो प्रॉपर एक मनी ट्रायंगल बन रहा है, ऐसा कुछ मनी ट्रायंगल जो है हाथ में बनता है तो जीवन में पैसा काफ़ी अच्छे जोड़ लेता है व्यक्ति, और ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पर मस्तिष्क रेखा की बात करूँ तो मस्तिष्क रेखा में स्टार्टिंग में दिक्कतें हैं इस एज में, अगर आपको दिखेगा जैसे मैंने बताया ना कि इनका जो थोड़ा सा जो पीरियड नेगेटिव है वो 28 के बाद ही दिख रहा है, 28 और 27 25, मतलब हम कह सकते हैं कि 24 से लेकर या फिर 23 से लेकर 30 तक का पीरियड जो है थोड़ा स्ट्रगल वाला दिख रहा है, ठीक है, और उसके बाद कोई ऐसा दोष नहीं है, ऐसी कोई यहाँ परेशानी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। और अगर मैं हृदय रेखा की बात करूँ तो हृदय रेखा में भी कुछ आपको छोटी छोटी आपको यव के सिंबल यहाँ पर बनते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है, छोटी 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 यव के सिंबल आपको बनते हुए दिखेंगे, तो हमेशा पेट ख़राब रहना, ठीक है, थोड़ी किसी तरह का इन्फेक्शन रहना, किसी तरह की एलर्जी रहना, ये लाजमी बात है, ठीक है, ये इसको आपको फेस करना पड़ेगा। और क्या हो रहा है कि हृदय रेखा क्या यहाँ से डबल हो रही है, यहाँ से बाईफोर्क हो जा रही है, तो ये भी एक बी का सिंबल है, और बी का सिंबल काफ़ी कम हाथों में बनता है, अगर ये बनता है तो जीवन में आप अच्छा एक मुकाम हासिल करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप अपना काम ईमानदारी से करें, कोई धोखाधड़ी ना करें, तो आपको अचानक से धन लाभ होगा और काफ़ी चीज़ें आपके लिए अच्छी बेहतर होंगी। तो काफ़ी इमोशनल व्यक्ति यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर इमोशनल बहने वाले व्यक्ति हैं, और किसी अपने रिलेशन को काफ़ी ईमानदारी से भी निभाएंगे। तो दो मेजर यहाँ पर पीरियड यहाँ पर दिख रहे हैं, कम से कम 40-38 के बीच में और एक 45-48 के बीच में, और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को मिली, जिससे इसमें मैंने आपको बताई एक्सीडेंट वगैरह होने के चांस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो आप गाड़ी वगैरह आप ध्यान से चलाएं, और काफ़ी शुभ हाथ है, पिंकिश सा रंग है, तो पैसे के लिए हाथ काफ़ी अशुभ माना जाता है, जो हाथ यहाँ पर पिंकिश हो जाए, ठीक है। तो ये प्रॉपर मेरी वीडियो थी, आपको कैसी लगी आप जो भी जरूर बताएं, और अगर कोई आपको दिक्कत आती है, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।